गए था। गर्जन नल से एक बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। तुम्हें क्या जल्दी है, कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है, गर्जन ने कहा। बस एक बाल्टी दे दो, झट से दो चार लोटे पानी डाल देंगे, उस व्यक्ति ने कहा। अरे तुम समझते क्यों नहीं, आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ, गर्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा। अच्छा लाओ हम भी मदद कर देते हैं, वह व्यक्ति बोला। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गर्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गर्जन बैठ कर सुस्ताने लगा। उस व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गर्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयं सेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। गर्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। अरे ये तो वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। गर्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो अपने राजेंद्र बाबू हैं। गर्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गर्जन को गले से लगा लिया। सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे।